इंदौर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या का कारण लोगों की लापरवाही मानी जा रही है। प्रशासन लोगों से बार बार अपील कर रहा है कि वह सभी नियमों का पालन करें, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को लेकर कलेक्टर ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा है कि जो गलती करेगा उसे दंड मिलेगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि कोरोना काल में जो भी लापरवाही बरतेगा उसे दंड मिलेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि एक व्यक्ति की सजा पूरे शहर को नहीं मिलेगी। सिंधी कॉलोनी और जेल रोड को खोलने के लिए उन्होंने कहा कि व्यापारियों को एक बार और मोहलत दी जाएगी और देखा जाएगा कि नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। अगर सब सही रहा तो ठीक, वरना कार्रवाई की जाएगी। जैसे अभी जेल रोड बंद की गई थी, बंडी अभी स्टिल बंद रहेगी और सिंधी कॉलोनी बंद की गई थी। इस तरह से जो भी वायलेशंस करेंगे शहर में, उन बाजार को बंद करना पड़ेगा, लोकलाइज करेंगे। जो लोग गलती करेंगे उनको दंडित किया जाएगा, पूरे शहर को दंडित नहीं किया जाएगा। और शहर में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कोविड को लेकर के, क्योंकि दोनों चीज़ें देखनी है आपको, रोजी रोटी भी देखनी है, रोजगार भी देखना है, व्यापार भी देखना है, सभी देखना है। और जितने भी संक्रमण हो रहे हैं, ये जितना भी संक्रमण के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में चीज़ें आ रही हैं, ये सब व्यापारिक प्रतिष्ठान ही हैं। ये इसमें चाहे अगर आप पानी पूरी बताशा वाले की बात करें, चाहे आप सब्जी बेचने वाले बात करें, चाहे आप फल बेचने वाले की बात करें, दवाई की दुकान की बात करें, या किसी भी अन्य मार्केट की बात करें, तो अधिकांश इस तरह के ही पार्टी शादी या इस तरह के केसेस कम आ रहे हैं इस समय। इसलिए थोड़ी जागरूकता रहेगी तो चीज़ें समझ जाएंगी। अभी काफ़ी हम लोग की अस्पताल कैपेसिटी खाली पड़ी हुई है, पर अगर ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी तो बेहतर है। अल्टीमेटली प्रेशर एक लिमिट के बाद जब अस्पताल में पड़ता है और अस्पताल में कैपेसिटी खत्म होती है, तब फाइनल लॉकडाउन की बात आती है। वो स्थिति अभी इंदौर की नहीं है, शहर जागरूक हो जाएंगे। लेफ्ट राइट करना से शहर में लाभ दिख रहा है, मूवमेंट कम हुआ है, मिक्सिंग कम हुई है, और लेफ्ट राइट स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और किसी भी अन्य और बिगड़े स्थिति, इससे बेहतर है कि व्यापारी अपने सतर्क होकर सावधानी पूर्वक लेफ्ट राइट में अपना व्यापार करें। जब स्थिति इंप्रूव होगी तो ग्रेजुअली उसको भी रिलीज किया जाएगा। कलेक्टर ने यह भी कहा कि फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, वहीं राइट लेफ्ट के सिद्धांत से शहर में स्थिति में सुधार दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, इंदौर।